हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे। एक क्लच है ये, और इसी क्लच को आपको इधर हाथ में पकड़ने के लिए भी कर सकते हैं, या तो आप बेल्ट लगा के स्लिंग के जैसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो वैसे। तो दोनों तरफ का बैग एक ही इसमें हमारा हो जाएगा। तो इसमें क्या चाहिए आप देख लीजिएगा। ये मेरा 9x14 इंच का लंबाई है, 14 इंच लंबा है, और ये 9x9 का पीस है जिसमें मैंने दोनों तरफ ये पाइपिंग लगा लिया है। तो ये 9x9 है। आप अपने प्रिंट के हिसाब से कीजिए। अगर ऐसा प्रिंट है तो बराबर प्रिंट ऐसे यहाँ आना चाहिए, उस हिसाब से। मेरे को ये चारों तरफ सेम प्रिंट है, इसके लिए कोई ये नहीं है। 9x9 का ये स्क्वायर है, और ये 9x14 का स्क्वायर है, और इसमें हमको जिप लगेगा। इससे मैंने थोड़ा कम लिया है, देखिए, और टैब लगा लिया है अराउंड 1 इंच का, मीन 8 इंच का अराउंड जिप लिया है जिसमें मैंने रनर डाल लिया है, और दोनों तरफ से टैब भी लगा दिया है। इसमें सिर्फ दो तरफ मैंने पाइपिंग किया है, और इसमें एक तरफ पाइपिंग किया है, दूसरा पाइपिंग अभी मेरा बाकी है। एक तरफ पाइपिंग, यानी ये तीन तरफ मैंने पाइपिंग कर लिया है। और इसको स्लिंग लगाने के लिए ये मैं लूप लगाऊंगी पर्स को, मीन्स ये हमेशा अवेलेबल रहेगा, यहाँ पे ये नहीं निकाल पाएंगे हम लोग। और स्लिंग के लिए देखिए, एक रेडीमेड हैंडल जो है वो है, जो हम लोग निकाल सकते हैं, या तो भी जब भी चाहिए। इसमें देखिए, आप ये प्रेस करके बेल्ट यूज कर सकते हैं, जब भी चाहिए आप इसमें लगा ले, नहीं चाहिए आप निकाल के रख लीजिएगा। और इसको एक मैग्नेट लगेगा, बस इतनी ही चीजें हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले ये पर्स कैसे दिखेगा मैं आपको बता देती हूँ, ताकि वो आपको समझ में आए कि मैं वो जिप ऐसा क्यों लगा रही हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, ये ऐसा आने वाला है, ये टॉप पे आने वाला है हम लोग का, ऊपर का फ्लैप है, तो ये यहाँ से आधे तक ये मुड़ेगा ऐसे। ये नॉर्मल जैसे हम लोग का पर्स होता है वैसे, और इस ये आएगा इसके ऊपर ही ऐसे, ये फोल्ड होके आएगा। तो देखिए ऐसे, मतलब ये दोनों एक के ऊपर एक फोल्ड होके आएगा, और ये ऊपर से फ्लैप बंद हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका पोर्शन और इसका पोर्शन में जिप लगानी है, बाकी का दो हमारा स्लिप पॉकेट होगा, इस पोर्शन को हमको जिप लगाना है। ये धागे के रेशे निकलते हैं, इसके लिए मैंने इसको पहले से ही पाइपिंग कर लिया है। अभी इसको हमें ये जिप लगानी है। तो हम लोग ये कैसे लगाएंगे, जस्ट ऊपर से लगानी है हमको, उल्टा वगैरह कुछ नहीं लगाना है, जस्ट ऊपर से लगानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जैसे कि हमारा हमेशा लेफ्ट से ओपन होते हुए राइट तक एंड में जाता है, वैसे ही है ये, देखिए। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे जस्ट ये जिप ऐसे रख लूँगी इसके ऊपर, देखिए, यहाँ पे सिलाई करूँगी, और उसके बाद यहाँ पे सिलाई करूँगी, मतलब ओपन होते वक्त ये राइट साइड हमको यहाँ दिखेगा, और ये जो रॉन्ग साइड है ये बाहर की तरफ, मतलब ये स्लिप पॉकेट में आ जाएगा। तो अभी हम लोग को सबसे पहले इसको जो पाइपिंग किया है वहाँ पे हम लोग जिप लगाएंगे। ये देखिए, राइट साइड सीलिंग की तरफ है, जिप का राइट साइड भी सीलिंग की तरफ है। अभी लगाने के टाइम मैं ये ऐसे करके इसके ऊपर जस्ट ऐसे ही लगा दूंगी। ये देखिए, ये आज तक ऐसा जिप हम लोगों ने किसी इसमें भी नहीं लगाया। इसमें और एक ऑप्शन है कि आप लोग ये कपड़ा लेके पहले जिप लगा दीजिए, उसके ऊपर आप चाहिए तो पाइपिंग कर लीजिए। लेकिन मेरे पास पाइपिंग बहुत सारा डेकोरेटिव ऐसा पाइपिंग नहीं है, इसके लिए मैं प्रिफर कर रही हूँ कि वो इनविजिबल ही हो, बाहर का पाइपिंग सिर्फ दिखेगा, अंदर का नहीं दिखेगा। जस्ट मैं अभी ये पहले अंदर लिया था, अभी मैं जस्ट एज पे भी सिला देती हूँ ताकि वो पूरी तरह क्लोज हो जाए। देखिए, ये पाइपिंग लग गया है यहाँ पे, अभी एज सिलाने की वजह से ये देखिए हमारा जिप लग गया है। अभी हमको ये दूसरा लगाना है। अगर हमको कंफ्यूज होता है तो हम लोग फिर से ऐसे बैग रख के देखेंगे, ताकि फिर से उधेड़ने का हमको काम नहीं चाहिए। पहले हम लोग रख के देखेंगे ऐसा है, और ये हमको ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ पे ये कैसे रहेगा, तो ये बराबर ऐसे ही रहने लगा। तो हम लोग इसको ऐसा रख के देखिए ऐसा खोल देते हैं, अभी इस तरफ का हम लोग लगा देंगे, ये भी वैसे ही
जैसे उस तरफ का लगाया था वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग लगाएंगे। ये लग गया। अभी हमको क्या करना है, ये खुला है तो हमको ये बंद करना है, तो हम लोग इसे कितना लंबा चाहिए वो पहले देखेंगे, फोल्ड करके इतना ही बंद करेंगे हम लोग। ये बराबर इसको आधे पे रखेंगे और ये इसके ऊपर, मतलब सेम हम लोग मार्किंग करेंगे कि कितना हमको ज्वाइन करना है इसको। तो अराउंड यहाँ पे इसका हाफ आने वाला है। अभी हम लोग फिलहाल तो सिर्फ ये दो पीस ही ज्वाइन करने वाले हैं, तो इसका हाफ भी मैं मार्क कर लेती हूँ। ये दो पीस हम लोग एक साथ रख के, इसके लिए मैंने ये साइड में फोल्ड किया था ताकि मुझे ये फोल्डिंग के वक्त यहाँ पे वो जिप के दांत ना आए और वो टूटे नहीं मेरी सुई। ये बराबर हाफ रख के अभी हम लोग इसका जो हाफ है उससे भी कम हम लोग सिलाई करेंगे। देखिए ये 9 इंच है तो 4.5 इंच पर तो ये सेंटर है, लेकिन हम लोग मार्किंग अराउंड और आधा इंच नीचे, जॉइनिंग उतना ही होगा। पूरा एंड तक हम लोग जॉइन नहीं कर रहे और यहां से भी हम लोग अराउंड आधा इंच अंदर सिलाएंगे दोनों तरफ से, इतना ही हम लोग सिलाएंगे, बाकी का ये छोड़ देंगे हम लोग। हमारा सिर्फ ये अंदर का पॉकेट हम लोग ने पैक कर दिया, इसको हम लोग डबल सिलाई कर लेंगे क्योंकि इसमें बाद में सिलाई नहीं आएगी। ये नीचे का सिलाई बाद में नहीं आएगी, अगर कहीं फिर बाद में कुछ इशू ना हो जाए इसके लिए डबल सिलाई जरूरी है। देखिए मैंने यहाँ साइड का लूप बनाने के लिए स्लिंग के लिए ये अराउंड 5 इंच का लंबाई लिया है और 1.5 इंच का चौड़ाई लिया है, क्योंकि मेरा हैंडल का लूप जो है बहुत पतला है इसके लिए मैं ये मोटा नहीं, 1.5 इंच का उतना ही विड्थ लिया है। इसको डबल फोल्ड करके हैंडल जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही फोल्ड करके बना लिया है। आधे में हम लोग कट करेंगे दोनों तरफ से, हम लोग को दोनों तरफ का ये लुक चाहिए, इसके लिए एक जैसा साइज बना लेते हैं। ये यहाँ पे हम लोग साइड में पाइपिंग के वक्त हम लोग जोड़ देंगे। अभी इसका जोड़ हम लोग जोड़ेंगे कैसे वो देखिए, पर्स ये बराबर हाफ पे हम लोग ने जहाँ मार्क किया था ये यहीं पे इसको मैं प्लेस कर रही हूँ दोनों जगह से, बाद में ये भी उसके ऊपर प्लेस कर रही हूँ। तभी हम लोग पूरा का पूरा सिलाई नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ ये पोर्शन जो है हाफ है इसको हम लोग एक दूसरे के ऊपर सिलाएंगे। ये देखिए ये जहाँ पे इसका ये आ रहा है जॉइनिंग, वो हमने थोड़ा कट कर दिया है और इसको ज्वाइन करेंगे। इस तरफ भी वैसे ही, जैसे है इसको जोड़ ले और ये बाकी का जो बचा है वो साइड करके हम लोग सिलाएंगे ऐसे, इसको किनारे कर देंगे और ये सिला देंगे।
बच्चे में से क्या होता है, आप एक साथ अगर ये पाइपिंग कर देते हैं तो एकदम ये कंजेस्टेड हो जाता है पर्स। इसके वजह से ये अलग अलग पाइपिंग होने की वजह से ये थोड़ा पर्स को इतना स्पेस मिलता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा आपको कैपेसिटी मिलेगी। इसके लिए अलग अलग किया है क्योंकि इसको फिर मेरे को दो बार पाइपिंग करना पड़ेगा, इसका अलग पाइपिंग होगा, इसका अलग पाइपिंग होगा। और इसके पाइपिंग के वक्त मैं अब ये भी जहाँ पे हाफ मार्किंग किया है वहीं पे रखूँगी। सिलाते वक्त सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक दूसरे के साथ ये मिक्स ना हो। यहाँ पे रख दिया, ये फोल्ड कर लिया। और ये सिलाते वक्त देखिए इसको हाफ पे रख के यहाँ पे अंदर की ओर यहीं पे रख लिया मैंने। बहुत ज्यादा नीचे नहीं, ऊपर से बस आधा इंच नीचे। यहाँ पे हटा लिया, इसको फोल्ड कर लिया। और जितना डिस्टेंस पे हम लोग ने ये लगाया है उतना ही डिस्टेंस पे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। अलग अलग हमारा ये होगा। हम लोग फर्स्ट देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारा एक पॉकेट हो जाता है और यहाँ पे दो स्लिप पॉकेट हो जाते हैं और एक हमारा इसका हो जाता है। अगर आपको और भी चाहिए इसमें, अभी तक आप मेरे क्लचेस देख के सीख गए होंगे अभी कितने सारे पॉकेट्स आपको कैसे बनाने हैं, अब तक आपको पता चल गया होगा। अभी ये भी क्लच जैसे इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग ये इसको अंदर दबा देंगे और आसानी से हम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हमको जस्ट पाइपिंग करना है और मैग्नेट लगाना है। मैग्नेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग पीस पे मैग्नेट लगा के इसके ऊपर सिलाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली मैं अगर सिलाऊंगी तो इसका ये जो एज होता है वो बाहर आएगा। बाहर आएगा तो भी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको इसके ऊपर कोई बटन वगैरह लगाना पड़ेगा या तो फिर आप अलग हिस्से पे लगा के यहाँ पे लगाइए। यहाँ का मैग्नेट इधर लगने के बाद आखिर में लगेगा कि वो कहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस होता है, उस वक्त हम लोग इस तरफ पे लगाएंगे, पहले नहीं। अभी हमको इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे क्योंकि ये ऐसे एकदम अच्छा नहीं लगता, एकदम बहुत ही सिंपल लगेगा, तो इसको हम थोड़ा सा आर्क दे देंगे। आर्क हमेशा जैसे ही आप 1.5 इंच अंदर करके उसको शेप दे दीजिए, या तो फिर आप किसी डिब्बे का ढक्कन वगैरह रख के दोनों तरफ से एक जैसा शेप दे दीजिएगा। देखिए यहाँ से 1.5 इंच पे मार्क कर दिया मैंने, तो अभी हम लोग इसी को यहाँ से ये 1.5 इंच है, आप 1 इंच पे कीजिए, 1.5 इंच पे कीजिए, जैसे आपको चाहिए वैसे। फिर इसको हम लोग फोल्ड करके यहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस कर देंगे। हमें इस दो हिस्से को अलग से पाइपिंग करना है, इतना ही पाइपिंग लगेगा। और पीछे के हिस्से को हम लोग को अलग से पाइपिंग करना है, ये जैसे हम लोग बाहर की तरफ रख देंगे ऐसे, और ऐसे रख के थोड़ा सा अंदर मोड़ेंगे। देखिए बाहर मोड़ दिया मैंने ताकि वो फिनिशिंग आ जाए, ऐसे रख के बराबर ये भी बाहर आना चाहिए, ये लूप भी है वो भी बाहर की ओर आना चाहिए। ऐसे ही ये राउंड करके यहां तक करके यहां पे भी हम लोग वैसे ही फोल्ड करेंगे, तो वो मैं कर लेती हूँ। ये पूरा सिला के हो गया है, अभी ये क्या करूंगी मैं, आर्क होने की वजह से ये हम लोग कट देते हैं। ये देखिए पूरा राउंड शेप में मैं ये कट देती जाऊंगी, बस सिलाई नहीं कटनी चाहिए, तक
ताकि उसका शेप अच्छे से आए, इसके लिए हम लोग ये करते हैं। सीधे साइड में जरूरी नहीं होता है, बस आर्क होता है वहीं पे जरूरी होता है। ये देखिए अभी, या जब हम लोग फोल्ड करेंगे, देखिए मैंने क्यों फोल्ड किया था वो दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पे जब मैं ऐसे करूँगी, ये देखिए अपने आप ये क्लीन आ जाता है वैसे। तो अभी मैं ये फोल्ड करके इसको सिला लूँगी अच्छे से। जहाँ पे सिलाई है हम लोग उसी के ऊपर फिर सिलाई करेंगे, तो अपने आप ये डबल सिलाई हो जाएगी हमारी। बस पीछे का कपड़ा ये नहीं आना चाहिए, उतना बस ध्यान रहे। शुरू करते वक्त हम लोग डबल लॉक कर देंगे। बस ऐसे ही हमको पूरा सिलाना है। देखिए पाइपिंग हमारा पूरा हो गया है दोनों तरफ से। इसका भी पाइपिंग अलग से कर दिया हम लोग ने, और पीछे का पूरा पाइपिंग अलग से कर दिया। अभी ये सेंटर मार्क करना है हमको, और ये मैग्नेट के लिए यहाँ पे मैं ऊपर से थोड़ा सा नीचे लिया है, मैंने आधा इंच अराउंड नीचे लिया है, और इसको मैं अभी मार्क करके उसको कट लगा दूंगी। ये छोटा वाला जो है हम लोग ऊपर की ओर लगाते हैं हमेशा, इसको प्रेस करके। ये लगा के अभी ऊपर मैं बटन लगाने वाली हूँ, तो ये बाहर की ओर नहीं अंदर की ओर मैं फोल्ड कर दूंगी, ताकि वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई नहीं करे। अभी ये बटन है मेरे पास, ये ऊपर लगा दूंगी, या तो फिर फैब्रिक बटन ही बना के दूसरा बटन लेके फैब्रिक से मैं फोल्ड करूंगी, उसके ऊपर थोड़ी सी रुई लगा दूंगी, ऊपर से फैब्रिक फोल्ड करके यहाँ पे अंदर हम लोग सिलाई कर देंगे, तो बटन तैयार हो जाएगा। तो उसको ऊपर से मैं यहाँ पे लगा दूंगी, या तो आप क्रोशेट का ये फ्लावर, या तो कोई लेस, या तो कोई स्टिकर, या जैसे आपको अच्छा लगे वो, क्योंकि ये छुपाना ज़रूरी है इसके लिए। अभी ये हम लोग देखेंगे, इसको यहाँ पे मार्क कर देंगे और इसको क्लोज करेंगे। ये जहाँ पे भी प्लेस होता है उसको प्रेस करके फिर हम लोग मार्किंग करके उसका सेकेंड जो है मैग्नेट के लिए हमेशा बहुत ज़्यादा हम लोग होल नहीं करते हैं, बाद में प्रेस करके ही उसको होल बड़ा करते हैं, क्योंकि पहले ही बड़ा जगह बना दिया तो फिर बाद में वो लूज़ हो जाएगा। इसको मैं दो अलग एंड पे बंद कर रही हूँ। भैया आपका ये लगा दिया, तो ये आपका क्लच रेडी हो गया। अभी ये क्लच हम लोग को स्लिंग के जैसे इस्तेमाल करना है, तो हम लोग ये देखिए ये जो मैंने बनाया, इसके लिए मैंने ये पतला बनाया था क्योंकि ये छोटा सा है, और ये भी आप क्लच जब इस्तेमाल करते हैं इसको आप अंदर दबा देंगे तो ये दिखाई भी नहीं देगा। इसको फोल्ड करके हम लोग को दबा के इसको इसमें लगा देना है। ऐसे अलग अलग टाइप के बेल्ट्स मिलते हैं मार्केट में, ये लगा के इसको अच्छे से हम लोग खोल लेंगे ताकि वो
निकले नहीं बाहर। स्लिंग बैग भी पार्टी वेयर के लिए रेडी हो गया। आप पार्टी में या तो आप सिर्फ क्लच लेके जा सकते हैं या तो फिर अपने ड्रेस के हिसाब से इसको स्लिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन बेल्ट होने की वजह से वो पार्टी में काफ़ी अच्छा लगेगा। अब बस मैं ये बटन लगा देती हूँ और फाइनल पिक में आपको मैं वीडियो के ऊपर ये डाल दूँगी थंबनेल में। आपको ये वीडियो कैसे लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और आप अपने पिक मेरे FB पेज पे ज़रूर शेयर करें ताकि मुझे और आपके डिमांड्स भी मुझे वहाँ पे या तो इस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि आपको किस प्रकार के बैग चाहिए ताकि मैं अगले बैग्स में वो इंक्लूड कर सकूँ। थैंक यू।